हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। इसको बनाने के लिए हमें 250 ग्राम दाल लेनी है। ये मूंग दाल है, इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे और पानी से अच्छे से धोएंगे 3-4 बार। मूंग दाल के अंदर ये झाग सी बन जाती है। बेसिकली हमें इस झाग को निकालना होता है अच्छे से, और उसके बाद हमें इसको 3 घंटे के लिए सोक करना है। ये भीगी हुई दाल हमारी रेडी है, इसमें से मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे, और ये एक पतीले में मैंने डाल दिया इसको। एक कढ़ाई ली है, ये कढ़ाई मोटी है, फ्लेम हाई है, और एक कटोरी घी 150 ग्राम्स घी लेना है। आप कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं इसे। उसके बाद घी बहुत ज़्यादा गर्म करना है हमने, और अपनी दाल की पीठी उसके अंदर डाल देनी है। घी ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। घी में हमें 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे। दाल घी में मिक्स होती है और अपना कलर चेंज करती है। अब देखें मैं कितनी बार इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और ये बार बार नीचे हल्के हल्के चिपकेगी। इस समय मैंने फ्लेम स्लो कर लिया है, पहले फ्लेम हाई रखना है और 2 मिनट के बाद हमें फ्लेम स्लो कर लेना है। मगर दाल हमने हाई फ्लेम पर ही डालनी है। इसका कलर चेंज होने लगा है, आप देखेंगे। अब इसमें ये थोड़ी सूखी सूखी लग रही है इस समय। अब साथ में ही हम थोड़े से बादाम को रोस्ट कर लेंगे। बादाम डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स और खोया, बिल्कुल लास्ट में डालना है। हमारी दाल अभी स्लो पर हमने रखी हुई है साइड में। 1 कप से कम हमने दूध डाला है, उसके अंदर मैंने केसर मिक्स किया हुआ था। अभी आप देखेंगे हमारा जो दाल है वो बिल्कुल वाइट वाइट लगेगी। जो हमारी दाल सूख गई थी उसमें मॉइस्चर आ गया है। अब मैंने 150 ग्राम चीनी का बूरा डाला है। चीनी मैंने मिक्सी में ही ग्राइंड कर ली थी, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और लास्ट में मैंने इसमें बादाम डाला है। टोटल टाइम 30 मिनट्स है दाल का। हमारा मूंग दाल का हलवा रेडी है। थैंक्स टू वॉचिंग।